हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब इनमें से ढूंढते हैं कि तीन या चार छोटे और तीन या चार बड़े पौधे जो इंडोर रह सकते हैं लो लाइट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से सेलेक्ट करेंगे हम लोग कि क्या हम लोग रख सकते हैं। देखिए, रखने के लिए हम लोग इंडोर में बहुत सारे पौधे रख सकते हैं। ये फाइकस भी रख सकते हैं, और मगर प्लांट भी बढ़िया होना चाहिए, मतलब हेल्दी प्लांट होना चाहिए। और ये एस्पेरेगस फर्न है, ये अंदर रहता नहीं है। एक ये देखिए, ये बहुत अच्छा है, ये रह जाता है, मगर ये भी ना थोड़े दिन बाद बहुत विल्ट करके येलो हो जाता है। इसको वैसे दबा के इसीलिए रखा हुआ है। ये ड्रेसीना रह जाता है, इट्स अ गुड इंडोर एयर प्यूरिफायर, मगर अभी ना इसकी बहुत क्लीनिंग रिक्वायर्ड है। बहुत इसके एजेस वेजेस ब्राउन हो रहे हैं, ये नहीं लेते। ये देखिए, ये है हमारा पीस लिली रह जाती है अंदर, और बहुत ही इंजॉय करती है अंदर, क्योंकि ये लो लाइट लाइक करने वाला प्लांट है। तो ये जरूर ले चलेंगे। चलिए, एक ये सेलेक्ट कर लिया हम लोग ने, एक ये प्लांट ले लेंगे। ये इनमें दो तीन प्लांट्स हैं, एक ये वेरीगेटेड वाला है, ये दो प्लेन है। इनमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे इंडोर के लिए। एक ये भी रह जाता है, मगर सिंगोनियम रख सकते हैं। ये छोटी पत्ती वाला है, ये भी बहुत अच्छा है, ये येलो कलर का है, ये रख लेते हैं। देखते हैं, आइए, और भी हैं, अभी शॉर्टलिस्ट नहीं किया, अभी तो खाली एक ही किया है। और देखते हैं क्या लेते हैं। ये रह सकता है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये भी इंडोर बहुत अच्छा लगता है। अभी तक तो हम लोग ने ये रह सकता है इंडोर, बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर है रैफिस पाम, मगर ये बहुत बड़ा हो गया है, तो मेरे घर के लायक अभी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अगर बहुत बड़ा पेलेशियल हाउस हो ना तो कहीं एक जगह आ जाता है, मगर नहीं आ पाएगा मेरे लिए, ये इट्स टू बिग। जरबेराज हैं, मगर ये तो अंदर के लिए ठीक नहीं है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये भी नहीं रह पाएगा। और कौन सा सेलेक्ट करें, यहाँ से देखते हैं। ये स्पाइडर प्लांट है, ये रह जाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा ये हो गया, पहला वाला पीस लिली हो गया, सेकंड स्पाइडर प्लांट, ये भी बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर है। सेकंड ये हो गया ऑप्शन बड़े पौधों में से। छोटा तो मेरे ख्याल में अभी तक लिया नहीं है हम लोग ने। ये छोटा पाम है, एक पाला पाम, ये ले लेते हैं, ये बहुत क्यूट लगेगा अंदर। एक ये भी सिंगोनियम्स हैं बहुत सारे छोटे छोटे, ये निकालते हैं, ये तो टेबल पर रख सकते हैं हम लोग निकाल के। एक ये हटा देती हूँ। एक ये सेलेक्ट किया है छोटे में, एक ये सेलेक्ट कर लेते हैं। दो ये हो गए, अब इनमें बड़े में से सेलेक्ट करते हैं। देखिए, ये सब तो ना कलेडियम्स हैं, ये तो अंदर इंडोर के लिए नहीं है। ओ, ये बहुत बढ़िया है, ये एक इंडोर के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ऑक्सीकार्डियम, एक ये पाम रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इंडोर एयर प्यूरिफायर है, मगर अगेन ये अंदर के लिए मेरे लिए थोड़ा बड़ा है। स्पाइडर प्लांट टोकरी है, मेरे घर अंदर हैंग करने के लिए खास जगह नहीं है, तो वही पॉट ले लेते हैं। तो तीन हो गए इंडोर के लिए, एक बड़े पॉट में, एक हो गया पीस लिली, एक हो गया स्पाइडर प्लांट, एक हो गया ये मनी प्लांट, और एक छोटा और चाहिए हम लोग को। तो छोटे में ये मनी प्लांट में बहुत अच्छा आइडिया है, ये वाला मनी प्लांट, दिस इज अ गुड आइडिया। इसको थोड़ा क्लीन कर देंगे अंदर ले आने से पहले। ये देखिए, ये तीन इंडोर रख लेते हैं छोटे वाले,
और वैसे सिंगोनियम ढूंढते हैं, कोई और मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इनमें क्या, ये तो ना ये सक्यूलेंट्स हैं, ये हाँ ये सक्यूलेंट तो अंदर मुश्किल ही चलते हैं, ये वाला चल सकता है, ये एक ले रख लेते, एक ये या फिर ये हवार्थिया है, ये दोनों अलग अलग टाइप के, ये दोनों बाथरूम्स के लिए रख लेते। ये देखिए, ये अब हम लोग आ गए हैं स्नेक प्लांट के सेक्शन में, और इनमें से कुछ ढूंढते हैं जिनमें ये बहुत ही बढ़िया एयर प्योरीफायर्स होते हैं। ये इनफैक्ट ये ट्रे भी है, ट्रे इज अ गुड ऑप्शन, बहुत अच्छे एयर प्योरीफायर्स होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट, नासा से रिकमेंडेड है। तो हम लोग या तो ये एक छोटा ले सकते हैं, एक बड़ा ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक तो छोटा हम लोग इनमें से ले चलते हैं। कौन सा अच्छा रहेगा? आई थिंक ये अच्छा रहेगा, ये वाला। ये है सेंसेवेरिया सामुराई, बहुत क्यूट, इसमें कंटेनर में भी है और ये बहुत छोटा सा ही टेबल पर रह जाएगा। इसको क्लीन करके हम लोग इसको भी यूज कर लेते हैं। ये हम लोग ने कुछ इंडोर प्लांट्स हम लोग अंदर लगाने के लिए ये सेलेक्ट किए हैं। ये तीन बड़े हैं और बाकी सब छोटे हैं, और इनके क्या चीजें चेक करनी है हम लोग को कि इन लोग सब फ्रेश है, कोई किसी में सूखी पत्तियां नहीं है, और गमले पूरे पॉलिश्ड हैं और पेंटेड है अंदर रखने के लिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है और हेल्दी प्लांट्स हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनको बाहर रहते रहते ही इनको अच्छे से वॉश कर देंगे और हाइड्रेट कर देंगे, क्योंकि ये अंदर जाने के बाद कुछ दिन तक हाइड्रेट करना इनको थोड़ा अंदर मैसी हो जाएगा। तो इनको सबको थोड़ा सा, ये फूल छोड़ के, फूलों को ज़्यादा पानी नहीं देते क्योंकि जल्दी विल्ट कर जाते हैं, ये पत्तियों को और ये छोटे वालों को भी। ये देखिए, ये सिंगोनियम है छोटा वाला, ये पाम है छोटा वाला, इसको पाला पाम कहते हैं, ये छोटा वाला मनी प्लांट है, एक एक लीफ से बनाया है, और ये तो हमारा हवा। हम लोग ने किस बेसिस पे सेलेक्ट किया इसको, एक तो सबसे मेन क्राइटेरिया हम लोग ने देखा है कि ये इंडोर एयर प्यूरिफायर है, और ये हम लोग के अकॉर्डिंगली इसकी शेप साइज है कि नहीं है, बहुत बड़ा तो नहीं है, कई बार ड्राइंग रूम में इतना अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। तो दो चार चीज़ें ध्यान में रख के हम लोग, कलर कॉम्बिनेशन भी कई लोग ध्यान रखते हैं कि डार्क ग्रीन है, या कोई कई कलर्ड फोलियज भी होती है, वो भी अंदर रखी हुई अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के, मगर मेन हमारा पर्पस है टू प्योरीफाई द एयर इनसाइड। ये हम लोग इंडोर रखते तो हैं प्लांट्स, इंडोर एयर प्योरीफाई भी करते हैं और सारे क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं, मगर कोई भी प्लांट इंडोर परमानेंट नहीं रह सकता, इसको थोड़े दिन बाद बाहर निकालना ही पड़ता है। ये एक थंब रूल कि ये परमानेंट अंदर रहे नहीं रह सकते, इनको सबको फ्रेश एयर में निकालना पड़ता है। तो ये कुछ दिन के लिए अंदर रखते हैं हम लोग और कुछ दिन बाद इनको बाहर निकाला जाता है। आई होप आपको ये वीडियो इंडोर प्लांट सिलेक्शन अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।